मॉर्निंग, आज है सैटरडे, स्वागत है आपका हमारे घर पे। पातू, गुड मॉर्निंग पातू, गुड मॉर्निंग पातू, उठी उठी कर लो, उठी कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? खूब, आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 9:15, तो मैं 8 बजे गई थी। तो आज सैटरडे है, पातू की छुट्टी है, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। कल जन्माष्टमी थी तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है, रात को 12 बजे तो खाया था, तो आज ब्रेकफास्ट वही होने वाला है। और पीछे से बहुत सारी आवाज़ आ रही है, तो शुरू करते हैं आज की दिनचर्या हमारे साथ। बारिश आने को तो रेडी ही है, बिल्कुल किसी भी टाइम आ जाएगी बारिश। कपड़े हमारे सूखे ही नहीं कल से, इवन मशीन के ऊपर भी पड़े। आजकल है ना, प्रेस को कपड़े ही नहीं देती मैं, सारे कपड़े प्रेस के लिए ऐसे पड़े हुए, एक कठिन मान के देनी पड़ेगी। प्रेस जब भी मैं करती हूँ ना, मुझे एक कहानी याद आ जाती है हमेशा। पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सुनाती हूँ, या प्रेस करते करते सुनाती हूँ आपको। तो मेरी ना एक आंटी थी, मेरी ना एक आंटी हैं, वो मुझसे कहा करती थी कि पहले के ज़माने में ना आदमी लोग पैसे नहीं दिया करते थे लेडीज़ को, बहुत सारे आदमी लोग नहीं दिया करते थे, शायद अभी भी ना देते हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो घर का पूरा खर्चा खुद ही चलाते हैं। तो वो कहती थी ऐसे वो इजीली पैसे देते नहीं थे, तो मैं क्या करती थी, प्रेस का गट्ठर बनाती थी और उनसे कहती थी कि कपड़े प्रेस को जा रहे हैं। तो जब वो ऑफिस चले जाते थे तो उसके बाद वो सारे कपड़े घर में बैठ के खुद प्रेस किया करती थी, एंड शाम को वो गठरी वापस रख देती थी। जब अंकल आते थे तो वो कहती थी कि प्रेस के इतने पैसे हो गए, तो वो जो प्रेस के पैसे होते थे वो अंकल दे देते थे ताकि वो प्रेस वाले को दे सके। तो वो जो पैसे होते थे फिर वो आंटी अपने पास रखती थी। तो कहती थी कि इस तरह से मैंने कई पैसे जोड़े। तो इसी तरह तरह से ना घर के जो होते हैं काम, उनमें से भी देखो औरतें अपने लिए कर लेती हैं यार। मतलब देखो कितना हार्ड होता था पहले का जीवन, तो इस तरह से ना अंकल से वो पैसे ले लिया करती थी। तो जब भी मैं प्रेस करती हूँ ना, तो मुझे वो आंटी की बात हमेशा याद आ जाती है कि कितना कठिन होता है ना कभी कभी किसी औरत का जीवन, क्योंकि वो तो घर संभाल रही है और उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि घर के कामों को लोग सोचते हैं कि ये कोई काम ही नहीं है। लेकिन इसी काम को करने के लिए जब किसी नौकर को रखा जाता है ना, तब अच्छी खासी इनकम देनी पड़ती है, तब वही आदमी लोगों को कद्र होने लगती है। वैसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी वाइफ को जेब खर्ची नहीं देते होंगे, ये सोचते होंगे कि घर के काम के क्या पैसे हैं। लेकिन बेटा, दिन घर के काम वाले नौकर निकल गए ना, उस दिन तुम सबकी हालत ख़राब हो जाएगी, ये भी याद रखना। तो अपनी बीवियों को खर्ची दिया करो। जो लोग अर्न करते हैं उनकी बात अलग है, जो लोग नहीं अर्न करते उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे भाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई जीवन बहुत कठिन था लोगों का, और लोगों ने उसमें भी मेहनत करके कमाई करी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि औरत से पंगा नहीं लेने का, औरत घर से ही पैसे निकाल लेती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए शराफत से दे देने का। तो अनुप भी क्या याद करेंगे, पैंट भी प्रेस कर दी, शर्ट भी प्रेस कर दी। पार्थू तो सुबह उठते ही साथ नहाने चला गया, डैडा के संग नहाऊंगा बोल के उठते ही साथ, मतलब उठना है आँख खुली में मैं नहाने जा रहा हूँ। ऐसे भी बच्चे होते हैं पगलेट, ऐसे भी बच्चे होते हैं। इतना दहशत में आ गया ना, तब से जब से अपनी अलमारी लगाई ना, तो बैठ के बोलते हैं मम्मा आप कपड़े दे दो, मैं नहीं ले रहा कपड़े। फिर आप डांटोगी कि सारी अलमारी दोबारा लगानी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ, आया ना लाइन पे, सबक सिखाना ज़रूरी होता है कभी कभी बच्चों को। ब्लेस यू। मुझे एक ब्लू पैंट चाहिए। ब्लू पैंट चाहिए, ये वाला ले लो। चल, छोले पड़े हैं और खीर पड़ी है, तो उनको ब्रेकफास्ट यही हो जाएगा, और थोड़े बाद में खाएंगे। ये
कितना अच्छा भजन गा रहा है भाई, आपने सुना? सुना तो बेटा गाना। पता नहीं इस कैमरे की ना सेटिंग कुछ हो गई है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैं खुश हूँ, पता है क्यों? सब चले गए और मैं अकेली हूँ घर पे। यही तो मैं चाहती थी, ये मेरा मी टाइम है आज का। मी टाइम में मतलब मैं एडिटिंग ही करूँगी। वो देखो पार्थ, अनूप और माणिक जा रहे हैं, विराज सुबह जा चुका है। अब ये लोग 12:30 बजे तक आएंगे। इनको राघवन जी के पापा बैठे हुए हैं वहाँ। तो पता नहीं कैमरे में ना कुछ सेटिंग छिड़ गई है, जिसकी वजह से ना जो इसका फोकस है, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है, वो सब उठपटांग सा होता जा रहा है। मुझे आ नहीं रहा सेट करना, बहुत देर से सेट कर रही हूँ। एनीवे मुद्दे की बात ये है कि घर में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। बस अब मुझे नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है एंड थोड़ा सा मैं कंप्यूटर में बैठूंगी, इतना लैपटॉप में, उसके बाद फिर कुछ काम करूंगी। तो बस ये वाला रूम मैंने एक्चुअली रह गया था क्लीनिंग के लिए। बहुत ही पीला पीला ले रहा है रूम, क्यों इतना अजीब अजीब सा हो रहा है ये। बहुत ही अजीब सा पीला पीला सा स्क्रीन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। अब थोड़ा सा वाइट बैलेंस ठीक लग रहा है इसका मुझे। अभी तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा फेस तो पूरा ही पीला रंग का पकड़ रहा है और एकदम धुंधला धुंधला हो रहा है। इस कैमरे की एडजस्टमेंट समझ ही नहीं आ रही है। हालांकि आज घर में अकेली हूँ, लेकिन अकेली नहीं हूँ। देखो यहाँ पे गुरैया बैठी है, उसको चावल का दाना देना है। खिड़की पे कौवा बैठा होता है, कभी कबूतर, तो कोई ना कोई पक्षी मेरे हर एक कमरे की खिड़की में हमेशा रहता है। तो गोरैया है ना, आजकल इसने लिविंग रूम में अपना घोंसला बना रखा है, इतनी क्यूट लगती है। कई बार मैंने व्लॉग्स में एकदम बात करते करते नोटिस भी किया और मैं बोलती भी हूँ कि अरे गोरैया। तो पहले इसने मेरे मेन डोर के ऊपर बना रखा था, अब इसने लिविंग रूम की खिड़की में बना लिया है और यहाँ पे मेरा कुकू बैठा है। तो जब तक मैं किचन में काम करती हूँ ना, ये तब तक वहाँ बैठा रहता है जब तक कि मैं रहती हूँ। और मैं अगर नहीं बोलूँगी तो मुझे कौं कौं करके बोलता है कि बात कर, फिर मेरे को कंटिन्यू इससे बात करते रहना पड़ता है। हालांकि उसके पास सब कुछ रखा हुआ है इस टाइम, खाना, अखरोट, पपाया, रोटी, आटा, लेकिन नहीं, वो बैठा है सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए और बहुत प्यार से मेरी बातों को सुनता भी है। यहाँ पे ना मैं कढ़ी चला दे रही और चावल भिगा दी, पकता रहेगा। मैं बेसन घोल के रख लिया है, मेथी, जीरा, हींग, इन सभी का तड़का है। खा लो मेरा बच्चा, खा लो मेरी बेटी। तो बस प्याज, जीरा, मेथी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च सब डाल के थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अब ये हल्दी, और इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। जरा माता दी, तो ये है ना लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है मिक्सी में, और ये मैं ऐसे ही डालती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब कढ़ी बस अपने आप पकती रहेगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैं इसमें डालने वाली हूँ, थोड़ा सा पानी और डाल के डाल दूँगी तो अच्छा लगता है ऐसे। तो यहाँ है ना मैंने पपीता कट कर दिया है, विराज आके खाएंगे, लेकिन ये जो छिलके हैं इनको कौवे को दे देती हूँ। और थोड़ा सा उस साइड रखूंगी क्योंकि वहाँ पे भी कुछ पक्षी आते हैं। तो ज़्यादातर दिन का समय मेरा अपने घर के काम और एडिटिंग में ही बीतता है, इसके पार मेरी अभी तो कोई ज़िंदगी नहीं है।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम मेरा एडिटिंग में ही चला जाता है। अब यहाँ पे ये लोग आ गए थे 1:30 बजे करीब, तो फिर सब ने बैठ के साथ में खाना खाया, जो कढ़ी चावल रोटी और प्याज वगैरह कट कर लिए थे वो, और खाना खाने के आधे एक घंटे बाद फिर हम निकल पड़े गणपति जी के सिलेक्शन के लिए। तो काफ़ी लेट हो चुका है, 30 तारीख से फिर गणपति स्टार्ट भी हो जाएंगे, तो आज तो बस सोच के निकली हूँ कि मैं गणपति को फाइनल करके ही आऊँगी आज। पप्पा आप अपना सिलेक्शन खुद ही करो और घर में आने के लिए अब तैयार हो जाओ। तो बस यहाँ पे अपना बहुत सारे शॉप्स में गई, स्टॉल्स चौक पे कह लो, एंड वहाँ पे गणपति जी देखे और एक आज फाइनल कर ही लिया। तो अभी तो नहीं दिखा रही हूँ आपको कि कौन से वाले गणपति जी फाइनल किए हैं, लेकिन गणपति जी बहुत ही सुंदर है जिन्हें फाइनल किया है। ये काफ़ी बड़े गणपति हैं, इनको ज़्यादातर जो पांडाल वगैरह होते हैं ना उनके लिए सिलेक्ट किया जाता है और ले जाते हैं, कई लोग अपने घर में भी ले जाते हैं। बस वहाँ से फिर वापस आए और आते आते शाम हो गई और बहुत जाम लगा हुआ था, आप देख सकते हो इस टाइम पे। एंड हाथ में कुछ लेके आ रही हूँ, वो आपको बाद में पता चलेगा। एंड घर आते ही पार्थू हल्ला करने लग जाता है, मम्मा मुझे नीचे भेज दो खेलने के लिए, जब कितना कीचड़ वीचड़ हो रहा था। फिर उसको नीचे भेज दिया और अपने लिए बनाई एक कप चाय, और चाय पीते हैं फिर आगे की ब्लॉग। भैया हमारी चाय बन चुकी है। इस टाइम पे मेरे को अनूप की बहुत याद होती है, अगर अनूप नहीं होते तो भाई चाय दे देते हैं ना, तो सुकून सा रहता है कि चलो दे दी भाई बंदे ने चाय। अकेले तो बनाओ धो कप को रखो बहुत टाइम लगता है। और इसका नाम हमने छोटू रखा है, छोटू छोटू हमारा दरवाजा खोलता है, छोटू हमारा दरवाजा बंद करता है, ये छोटू है। चलो भैया बैक टू द वर्क, आ जाओ भाई सब्जी लाए होंगे पक्का इसमें है ना। अरे ट्रक है, ट्रक क्या ट्रक है, मिनी भी हाथ से मिनी ट्रक। बाप रे बुढ़ो मेरे को पहले कम काम है, पूरे हफ्ते भर की सब्जी है, सीमा का सबसे फेवरेट काम है। मैं नहीं करूंगी ये, बॉयज मैं नहीं करूंगी, आपसे करवाऊंगी ये काम। बड़ा है मैं क्यों करूंगी तुम्हारा जिम। चलो बाय। तो 7:30 नहीं दिख रहा है, दिखना पड़ेगा। 7:30 हो गए हैं, दिया बाती का समय हो चुका है। तो बस यहाँ पे शाम की भी तैयारी हो चुकी है, खाना वाना बनना शुरू हो गया है, पूजा भी मैंने कर ली है। एंड कल जन्माष्टमी थी ना, तो वही वाला फूल की माला वगैरह अभी तक है, फूल फ्रेश हैं, तो मेरा मन नहीं किया हटाने का, एक दो दिन में हटा दूंगी जब तक ये सूखेंगे नहीं। एंड यहाँ पे लाइट लग गई ना, तो तब से मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये छोटी सी दुर्गा माता मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैं एलोरा केव्स गई थी ना वहाँ से लेके आई थी, ब्रास की हैं एंड बहुत ही प्यारी मूर्ति है और बहुत ज़्यादा छोटी है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे शाम को मैं पनीर बना रही हूँ एक साइड में डिश की, चलो कढ़ी तो पड़ी है, थोड़ा सा पनीर भी सब लोग खा लेंगे। झटपट पनीर बनाया, कुछ नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ नमक मिर्च डाल के, एंड सबको अच्छा भी लगता है। यहाँ पार्थू अपने दोस्तों को घर में ले आया है शाम के टाइम, तो ये दोनों ही बच्चे ना गुजराती हैं, मेरे से बहुत ही लेवे हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मतलब 2-3 घंटे आराम से खेलते हैं, पार्थू को पढ़ाते भी हैं और मेरे संग भी बहुत मस्ती मजाक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस अब वही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। होप आपको आज की व्लॉग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बनिए हमारे इस परिवार का हिस्सा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ शेयर करने जैसा लगे, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। और मिलती हूँ कल एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।